दोस्तों आज हम पढ़ना सीखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई ऑफ सिमिलर नंबर्स। हम सिमिलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करते हैं एक बार बोर्ड पर देख लें। वन 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 और वन, ये फोर टाइम वन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक दो तीन, ये तीन बार लिखा हुआ है। यहां पर मैंने चार बार वन लिखा हुआ है और यहां पर तीन बार लिखा हुआ है, आप देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे काउंट करना है मिनिमम नंबर, वन टू थ्री, वन टू थ्री। यहां पर इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस कितना डिजिट्स है, यहां पर तीन डिजिट है, यहां पर चार डिजिट है, इनको देख सकते हैं हम। यहां पर चार डिजिट है, इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा, एक। तो हम फिर से लास्ट वाले डिजिट को रिपीट कर देंगे, जितनी बार डिफरेंस होगा उतनी बार हम रिपीट करेंगे इसको, और फिर हम बैक हो जाएंगे यहां से वन टू। ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, पहला आंसर स्टूडेंट, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। और हम अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम दोबारा से दिखाते हैं आपको कि कैसे इजीली आप सिमिलर नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो तीन चार पांच छह, यहां पर छह डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से, वन टू थ्री फोर, चार डिजिट, छह डिजिट लिखे हुए हैं और यहां पर चार डिजिट लिखे हुए हैं। सबसे पहले मिनिमम डिजिट कितने लिखे, चार, तो वन टू थ्री फोर हमने लिख लिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना है, टू है इनका डिफरेंस। तो फिर से हम चार को, लास्ट वाले डिजिट को दो बार रिपीट करेंगे, फिर वहां से रिटर्न हो जाएंगे, थ्री टू वन। आप स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इनका मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा, एक बार देख सकते हैं इसको। एक और एग्जाम्पल लेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर देखते हैं हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, और यहां पर हमने मल्टीप्लाई है वन टू थ्री फोर फाइव। यहां पर देखिए हमने फाइव लिखा हुआ है, ये मिनिमम नंबर हमारे फाइव है और ये मिनिमम नंबर मैक्सिमम नंबर हमारे सेवन है। हमने सेवन नंबर यहां पर काउंट किए हैं, यहां पर फाइव नंबर काउंट किए। सबसे पहले हमारे पास फाइव नंबर है स्टूडेंट्स, इनको देख लेते हैं एक बार। फाइव नंबर को हम क्या करेंगे, पांच तक हम काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस स्टूडेंट्स टू है, तो लास्ट वाला डिजिट फिर से रिपीट करना है हमें, फाइव फाइव। यहां से रिटर्न बैक हो जाएंगे, फोर टू फोर थ्री टू वन, ये हमारा एक और आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। हम ऐसे आंसर निकाल, स्टूडेंट्स एक एग्जांपल और देखते हैं, हम इजीली देख सकते हैं। अगर कोई सिमिलर नंबर लिखा हुआ है टू टू और टू, ये आपके पास लिखा हुआ है, आपको दूसरे नंबर भी आपको दे रखा है टू और टू और टू, आपको ये थ्री टाइम्स लिखा हुआ है, ये टू टाइम्स लिखा हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा हमें, इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वाले फैक्टर में हम देखेंगे यहाँ कॉमन क्या है, हमारा टू कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, वन 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 और वन, ये देख लीजिए मैंने लिख लिया है। ऐसे इस वाले को हम देखते हैं, यहां पर भी हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, टू, और यहां पर वन वन वन। हमने आपको बताया था लास्ट वाले एग्जाम्पल में, हमने आपको बताया कि जो सिमिलर नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें बाहर वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी है। एक बार देख लेते हैं, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा फोर, फोर आ जाएगा हमारे पास। और यहां पर डिजिट कितने हैं, आप देख सकते हैं चार डिजिट है, यहां पर डिजिट कितने हैं, तीन डिजिट है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करना होगा, एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इन दोनों डिजिट्स को हम लिखेंगे वन 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 वन, मल्टीप्लाई वन वन वन, आपने लिख लिया है, इस तरीके से आपने लिख चुके हैं। इसके बाद ये आप देखिए, इन डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर से मैं वही तरीका बताऊंगा। यहां पर तीन बार रिपीट हुआ है नंबर, तो वन टू थ्री, और यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं एक डिफरेंस है यहां पर, तो हम रिपीट कर लेंगे इस नंबर को और टू वन हो जाएगा। ये हमारे पास ये वाला स्टेप आएगा, फिर इस चार को इसमें मल्टीप्लाई करना है, वो स्टूडेंट्स इजीली हम कर पाते हैं, देख लेते हैं। चार का मल्टीप्लाई करेंगे, चार का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, चार हो जाएगा, यहां पर करेंगे तो आठ हो जाएगा स्टूडेंट्स, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बारह हो जाएगा, बारह का दो और एक हासिल जाएगा, यहां पर कैरी ले लेते हैं, और यहां पर फिर से बारह होगा स्टूडेंट्स, और इसको ऐड करेंगे तो तेरह हो जाएगा, फिर से एक कैरी चला जाएगा स्टूडेंट्स, और इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे एट हो जाएगा, एक ऐड कर लेंगे इसमें नाइन हो जाएगा, और यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ये आएगा। इजीली इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम देख सकते हैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, नाइन नाइन नाइन, आप कहेंगे ये टिपिकल होता है, बट मैं भी आपको बता रहा हूँ कि बड़े आसानी के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
बहुत आसानी के साथ आप स्टूडेंट्स की मल्टीप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले देखिए सेम नंबर्स हैं और यहाँ पर भी आपको सेम नंबर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सिमिलर नंबर है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 4 ये आपके डिजिट हो गए। इसके बाद हम फिर से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, 1 2 3 ये मैंने कॉमन कर लिया है। क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से अभी माइग्रेट कर लिया है, आप देखेंगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 डिजिट है स्टूडेंट्स आपको दिख रहे होंगे, यहाँ 3 डिजिट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है हमें, यहाँ देखिए मैं मिनिमम डिजिट कितने हैं 3 1 2 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4 डिजिट थे, यहाँ पर 3 डिजिट थे, और आप ये देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो इस लास्ट वाले नंबर को फिर से आपको रिपीट करना होगा, रिपीट कर लिया है, वहाँ से रिटर्न टू बैक हो जाएंगे 1 2। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये डाटा अवेलेबल है और ये 9 यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ 9 अवेलेबल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक बार देख सकते हैं यहाँ पर 81 हो जाएगा। 81 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, यहाँ देख लीजिए अगली स्टेप में मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 3 3 2 1 81 से मल्टीप्लाई करना है, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए सिमिलर डिजिट है, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सिमिलर ही लिख लेंगे, 1 2 3 3 2 1 इजीली लिख लिया आपने। इसके बाद अगली स्टेप फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 आएगा स्टूडेंट्स, 2 में करेंगे 16 आएगा, 6 यहाँ कैरी कर लेंगे, 1 यहाँ पर कैरी हो जाएगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, अगर 8 का मल्टीप्लाई 3 में करते हैं 24 आएगा, ऐड कर लेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा 25 के लिए यहाँ 5 लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 को कैरी करेंगे यहाँ साइड में, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें स्टूडेंट्स तो 24 आएगा, 2 ऐड कर लेंगे उसमें 26 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6 यहाँ लिख लेंगे, 2 फिर से कैरी करेंगे यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इसके बाद स्टूडेंट्स इसका मल्टीप्लाई दोबारा से 2 में करेंगे तो 16 होगा, 16 में 2 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 यहाँ लिख लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 होगा, और 8 इसको ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। इसको एक बार जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, 1 यहाँ इसको ऐड करेंगे तो 0 और इसको ऐड करेंगे तो 9 यहाँ पर, और इसको ऐड करेंगे हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा स्टूडेंट्स, और एक कैरी का हमने लिया हुआ है, यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ इसको ऐड करेंगे 8 आएगा, एक कैरी था हमारा 9 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इतनी आसानी के साथ स्टूडेंट्स इतना बड़ा मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। स्टूडेंट्स मान लीजिए कि यहाँ पर आपको नंबर्स दिए हुए हैं सिमिलर नंबर, यहाँ पर 6 और 6 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन की एक खास बात है स्टूडेंट्स, आप देखेंगे ये लास्ट वाले डिजिट का जो टोटल है सम ऑफ, इसका सम जो है वो 10 है इन दोनों डिजिट्स का, और जो आगे के दो नंबर है ये सेम नंबर है। लास्ट वाले डिजिट्स का टोटल, आई रिपीट अगेन, लास्ट वाले डिजिट का टोटल 10 होना चाहिए और आगे वाले नंबर्स सिमिलर होने चाहिए। अगर ऐसा आपको कोई भी मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक फॉलो करेंगे तो इजीली स्टूडेंट्स निकाल पाएंगे आप, ये देख सकते हैं, एक बार मैं रफ कर देता हूं आपको बताने के लिए। स्टूडेंट्स यहां देखिए ये आपके डिजिट्स कैरी किए हुए हैं, यहां पर हम देख सकते हैं कि लास्ट में 4 दिया हुआ है और 6 दिया हुआ है, आगे के दोनों नंबर सिमिलर हैं स्टूडेंट्स, और पीछे के नंबर्स का जो टोटल है इसको सम बोलते हैं वो 10 है, इतना ही होना चाहिए स्टूडेंट्स। देखते हैं इसको, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 24, और यहां पर दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स 6 दिया हुआ है, और 6 का मल्टीप्लाई इससे नेक्स्ट डिजिट में करते हैं, 6 के बाद 7 आता है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डिजिट क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो यहां पर कितना हो जाएगा 42 हमारा पहला आंसर, बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। मैं फिर से एक और स्टूडेंट्स बताता हूं, लास्ट के सेम नंबर है, आप देखेंगे यहां पर 7 और 7 है, यहां पर देखिएगा इसका जो डिजिट है वो यहां 3 दिया हुआ है, यहां 7 दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स
कि लास्ट के दोनों डिजिट्स का टोटल अगर आप देखते हैं तो कितना है, यहां पर 3 दिया हुआ है या 7 दिया हुआ है, एग्रीगेट करेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 10। और अगर आप देखेंगे तो आगे के दोनों डिजिट सिमिलर हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिमिलर कंडीशन चाहिए होंगी, जिस कंडीशन में ये पहले के दोनों डिजिट्स जो होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स, सेम होने चाहिए, और लास्ट के डिजिट्स का टोटल हमेशा कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो इजीली कर लेते हैं इसको, इसमें 3 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो स्टूडेंट्स 21 हो जाएगा, और हम 7 से ऊपर अगर ऐड करते हैं नेक्स्ट डिजिट क्या आता है 8, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट डिजिट कितना है 8, तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर देख सकते हैं हम, ये हमारा आंसर हो जाएगा इजीली, देख सकते हैं। अगला एक और क्वेश्चन अगर हम करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, यहां पर 85 दिया हुआ है, यहां पे स्टूडेंट्स 86 दिया हुआ है, और यहां पर भी 84 दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करना होगा, लास्ट के दोनों डिजिट का सम देखेंगे तो 10 आ जाएगा, और आगे के दोनों डिजिट्स दे रखे हैं वो सेम होने चाहिए, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इससे नेक्स्ट डिजिट 8 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स 9, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 को 8 से तो कितना आएगा 72। तो स्टूडेंट्स ऐसे हम निकाल सकते हैं कोई भी डिजिट्स जिनके आगे के नंबर सेम हो और लास्ट के जो नंबर्स हैं उनका सम ऑफ यानी टोटल कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ये मेरी ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसको स्टूडेंट्स, मैं एक और ट्रिक आपको बताने वाला हूं इसके बाद, देख लेते हैं उसको भी स्टूडेंट्स। अब हम एक और तरीके से इसको देखेंगे, अभी मैंने आपको लास्ट डिजिट बताया सम, अब क्या होगा स्टूडेंट्स कि हमारा पहला डिजिट और दूसरा डिजिट सेम नहीं होगा, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ठीक अपोजिट लिखा है जो इससे। स्टूडेंट्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार देख लेते हैं, लास्ट के डिजिट अगर सिमिलर है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 लिख लिया मैंने, यहाँ एक बार कैरी करते हैं इनको, इस 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे यहाँ पर 24 हो जाएगा, और ये सिमिलर डिजिट को एक बार ऐड कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 आप देखेंगे यहाँ पर 24 आ जाएगा, और ये सेम डिजिट आपको इसमें ऐड करना है स्टूडेंट्स, ऐड कर लेंगे तो 30 हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 30 26, आप ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे, यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है 3 7 8 8, देख सकते हैं स्टूडेंट बहुत आसानी के साथ, लास्ट के दोनों डिजिट सेम है और यहां शुरुआत के दोनों डिजिट्स आप देखेंगे कि यहां पर जो इन दोनों का सम ऑफ देखेंगे तो 10 होगा, यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, आप ये देखिए कि इस 7 को मल्टीप्लाई अगर 3 से करते हैं 21 होता है स्टूडेंट्स, और 8 जो सेम डिजिट है उनमें से एक डिजिट इसमें जोड़ देंगे, जो सेम डिजिट है वो एक डिजिट स्टूडेंट्स जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 29। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक और बार अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर एक और एग्जांपल के थ्रू, यहाँ पर एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं स्टूडेंट्स तो यहाँ ले सकते हैं हम 2 8 9 9, आप ये देखेंगे लास्ट के दोनों डिजिट, लास्ट के दोनों डिजिट सेम है और शुरुआत के दोनों डिजिट्स का टोटल यानी सम 10 है, तो 9 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 81 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं 16 होगा, और 16 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो स्टूडेंट्स 25 होगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा स्टूडेंट्स। ये मैंने आपको बताया कि एनी टू डिजिट्स के स्क्वायर्स आप निकाल सकते हैं अगर लास्ट के डिजिट सेम है और उनका फ्रंट का डिजिट यानी फर्स्ट डिजिट जो है उनका टोटल सम 10 है। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था इसका इनवर्स फॉर्मूला बताया था, जब लास्ट के डिजिट हमारे सिमिलर नहीं थे उनका टोटल सम ऑफ कितना था 10 था, और जो फ्रंट का डिजिट थे हमारे वो कैसे थे सेम थे, तो उस तरीके से आप दोनों तरीके से मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, और एग्जाम में इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपने मेरी वीडियो देखी और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है स्टूडेंट्स तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए दोस्तों। धन्यवाद।